महाराज अनुज सहित जय रघुनाथा। अनुज किसको कहते हैं? छोटे भाई को। हैं नीचे बद प्रभु हुई सब नासा, जहाँ मैं रहते हैं वहाँ इतने राक्षस रहते हैं, मेरा यज्ञ भी ध्वंस कर देते। ऐसा करो अपने राम लक्ष्मण को दे दो। दशरथ रोने लगे, महाराज मांगो सो मांगो स्वामी, सितारे ना मांगो, मुनि जी वचन बिन विचारे ना मांगो। क्यों? पहले सोच विचार कर लो, काओ बनवाए दे मंदिर ये साला, जहाँ मैं बैठ जप हो तुम माला, इन बच्चों का क्या करोगे? विश्वामित्र कहने लगे, महाराज रब कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। विश्वामित्र कहने लगे आप मना कर दो। दशरथ कहने लगे प्राण चले जाए लेकिन मेरी मुंह की कहीं बात ना जाए, आप ले जाओ लेकिन जैसे लिए जा रहे हो वैसे ही लौटा देना। अब राम लक्ष्मण को लेकर के ताड़िका वन में पहुंचे। ताड़िका राक्षसी ने देखा, बड़े बड़े दांत सूप जैसे कान हिला रही है। लक्ष्मण बोले, भैया ओ ताड़िका को मार दो। लक्ष्मण कुछ नहीं बोले, राम कुछ नहीं बोल रहे। लक्ष्मण बोले, मैं समझ गया तुम क्यों नहीं मार रहे हो। आगे से नंबर लगाएंगे तो गुरुजी का, पीछे से नंबर लगाएंगे तो हमारा। मारो तो मारो, नहीं तो मुझे बीच में कर लो। जब इतना कहे तो उसी समय विश्वामित्र बोले कि कौशकी ने कही बेटा राघव, ताड़िका विपिन में आई है। कौशक ने कही बेटा राघव, ताड़िका विपिन में आई है। तुम्हें दर बढ़ो उधर बढ़े, पापिनी का श्रृंगार करो। कौशक ने कही बेटा राघव, ताड़िका विपिन में आई है, इधर बड़ो बाहू उधर बड़े पापनी को मार दो। श्री राम बोले, गुरुजी हेलो हे, मैं कभी औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। क्यों? जो लोग औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं वो लोग कायर होते हैं, मैं कायर नहीं हूँ। विश्वामित्र बोले, बेटा श्री राम जब कोई स्त्री अबला बन जाए, अबला जानते हो परिचित जी, डाइन बन जाए तो वो स्त्री नहीं रहती है, वो एक डाइन हो जाती है। कहने लगे जब कोई स्त्री मानवों के ऊपर पाप अत्याचार करने लगे तो उसे मार देना चाहिए, हैं? तुम ताड़िका को मार दो। जब इतना कहा है तो उसी समय श्री सुखदेव मुनि बोले हैं, अब श्री राम ने धनुष मार लिया, ताड़िका का वध कर दिया। रात्रि में वहीं पे विश्राम किया। जब सुबह हुआ तो श्री राम बोले, गुरुजी यज्ञ करिए। यज्ञ होने लगा। ओम भूर्भुवस्व तत्पुरुषो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गजाननं भूतगणादि सैवतं कपिजम्बुफलचार्वक्षणं उमाश्रितं शोकविनाशकार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं स्वाहा स्वाहा। जब सुहा सुहा की आवाज सुनी तो सुबाऊ और मामा मारीच निकल पड़े। और जब सुबाऊ मामा मारी निकल पड़े तो क्या हुआ है, राम ने क्या किया? कि बिन फटे बाड़ी और राम तेई मारा, अरे सत्यो जल गया सागर पारा। बाड़ी
राम ते ही मारा बिन फल बाण कैसा होता है, यानी कि परिचित जी लोहा निकाल लिया, सेटा चला दिया, सतियो जन गया सागर पारा। राम ने कौन से देश में मारा था परिचित जी मारीच को? राम ने कौन से देश में मारा था भैया लोगों मारीच को? भारत देश में मारा, हुए श्रीलंका में जाकर के गिरा। क्यों गिरा? इसलिए गिरा कि अभी रावण सोने यानी कि मारी सोने का हिरण बनेगा, सीता का हरण करवाएगा, इसलिए राम ने जान से नहीं मारा, उसे घायल कर दिया। अब तारिका का बद करके स्वभाव का आगे के लिए बढ़े, और जब आगे बढ़े हैं तो ऐसा ही नहीं है, लिखा गया है। एक चिट्ठी आई तो राम सोचने लगे हैं कि बड़े दिनों की बात, और हमें उन वचनों को याद कि मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। जब विश्वामित्र को वो चिट्ठी मिली, अब वो चिट्ठी पढ़ करके जनकपुर के लिए चले। अब परीक्षित जी इधर मिथिलापुरी के राजा हुए मिथिलेश, जिन्हें आज के जमाने में जनक और जनकपुरी के नाम से जाना जाता है। एक बार इनके प्रजा में सूखा पड़ी, अब जब सूखा पड़ी तो ऐसी वैसी सूखा नहीं पड़ी, वन उपवन नष्ट होने लगे, जीव जंतु प्यास के कारण मरने लगे। आज जनक ने ज्योतिषियों को बुलवाया, ऋषियों को बुलवाया, सभी लोगों से एक ही बात कही, कुछ ऐसा उपाय करो जिसके द्वारा बारिश हो। तो सारे ज्योतिषी लोगों ने ये कहा, तुम सोने का हल चलाओ, तुम्हारी रानी तुम नगिन होकर के चलाओ तो बारिश हो सकती है। अब एक सोने का हल बनवाया गया। सुनेना महाराज जनक जी ने जब वो हल चलाया तो जमीन से एक लड़की निकली। उस लड़की को महलों में लाया गया, उस लड़की का पालन पोषण किया, उस लड़की का नाम सीता रख दिया। धीरे धीरे सीता बड़ी होने लगी।